7 अगस्त 1994 में जब वाशिंगटन के ओकविले में सुबह के करीब 3 बजे बारिश होने शुरू हुई तो लोगों ने ध्यान दिया कि बारिश की ये बूंदें चिपचिपी सी हैं। लोग जब बारिश में कार के शीशे साफ करने लगे तो ये बूंदें शीशे में ही चिपकने लगी। दोपहर तक सुबह से लोग रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे, जैसे कि किसी को चक्कर आने लगे, किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और किसी को कम दिखाई देने लगा। इस तरह के अजीब बारिश यहाँ 3 हफ्तों में 6 बार हुई। इस वायरस के कारण बहुत से कुत्ते और बिल्लियों की मौत भी हो गई। जब इस चिपचिपे पदार्थ का सैंपल लैब में ले जाया गया तो पता चला कि इसमें इंसानों की सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं। इस अजीबोगरीब बारिश के ऊपर बहुत से तर्क दिए गए, जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह एलियंस का मल होगा, जबकि कुछ का मानना था कि आर्मी के अभ्यास के दौरान बम जब समुद्र में गिराए गए तो बहुत सी जेलीफिश मारी गई होंगी और इनके टुकड़े वाष्प होकर बादल बन गए, लेकिन आर्मी वालों ने ऐसा किसी भी अभ्यास से मना कर दिया था। लेकिन बहुत से शोध के बाद भी इस अजीबोगरीब बारिश का रहस्य पता नहीं चल पाया और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे अनसुलझा घोषित कर दिया।